हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अभिजीत। अभी मैं यहाँ पर हूँ रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर, और आज हम लोग जर्नी करने वाले हैं ट्रेन नंबर 12061 जो कि है रानी कमलापति जबलपुर जन शताब्दी एक्सप्रेस। चलिए स्टेशन को एक्सप्लोर करते हुए प्लेटफॉर्म तक चलते हैं। So guys, have a look at the interior of the railway station. So guys, ये देखिए ऊपर से कितना अच्छा दिख रहा है सब कुछ, और यहाँ से कोई सी ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है। एंड प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर खड़ी है हमारी ट्रेन, एंड वो खड़ी है हमारी ट्रेन। इस रेलवे स्टेशन पर आपको सारे फैसिलिटीज देखने को मिल जाती हैं। गो टू द प्लेटफॉर्म। तो आप क्या स्टेशन पे खड़े रहना, चलो ना प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। तो चलिए, पानी की सुविधा सब अवेलेबल है यहाँ पर। एंड यहाँ पर बच्चों के लिए टॉय ट्रेन है। हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर खड़ी है। हमने यहाँ से लस्सी ले ली है। आगे होगा शायद। So guys, this is our train, Jan Shatabdi Express. So I guess हमारा कोच सबसे पीछे है, तो चलिए पीछे चलते हैं ट्रेन के। यहाँ पर पंजाब मेल अराइव हो चुकी है। हमारा कोच है C2, और अब हम आगे जा रहे हैं। हमारा कोच इस ट्रेन में टोटल 6 के 11 कोचेस हैं, और AC चेयर कार के 4 कोचेस हैं, तो टोटल 15 कोचेस हैं इस ट्रेन में। सो गाइस, हमारा कोच है C2, तो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। इसमें डोर्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है, बार बार बंद हो जाती है। सो लेट अस गो इनसाइड। एंड फाइनली दिस इज द AC चेयर कार कोच ऑफ जन शताब्दी एक्सप्रेस। हर एक कोच में टोटल 75 सीट्स अवेलेबल रहती हैं। मिरर क्वालिटी भी काफ़ी बेटर है, सब कुछ क्लियरली विजिबल है यहाँ से। हमारी ट्रेन काफ़ी लंबी है यार, सही में। तो चलिए आपको कोच पूरा दिखाता हूँ अंदर से। काफ़ी सीट्स खाली हैं क्योंकि पैसेंजर्स नहीं आए, एंड एयर कंडीशनिंग भी काफ़ी बेटर है, बहुत कूल है। एंड यहाँ से पूरा AC कोच का सिस्टम मैनेज होता है।
में लगभग आधा घंटे का टाइम है, तो अभी थोड़ा आपको एक्सप्लोर करा देता हूँ स्टेशन। मैंने कोच नंबर गलत डाला, वो C3 लिखा है लेकिन ये C2 कोच है, इसलिए काफ़ी लोग कंफ्यूज हो गए हैं। फर्स्ट टाइम एसी वाले कोच में ट्रैवल करा, तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। सो मैं ट्रेन के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पर ऊपर लगेज रखने की काफ़ी स्पेस है एंड मिडिल में लाइटिंग है। धीरे धीरे सब पैसेंजर्स आ रहे हैं तो सीट्स फुल होती जा रही हैं। हम अपनी जगह पर तो बैठ चुके हैं लेकिन अभी ट्रेन चलने में 20 मिनट का वक्त है, इसलिए अभी थोड़ा मैं आपको, स्टेशन भी काफ़ी क्लीन है, यहाँ पर क्लीननेस बहुत ज़्यादा है। सो गाइज मैं यहाँ पर बैठा हूँ और यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगा। अभी ट्रेन स्टार्ट नहीं हुई इसलिए थोड़ी कम है कूलिंग एसी की, एसी बंद है तो जब ट्रेन चलेगी तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। गाइज आपको वॉशरूम दिखाऊँ तो यहाँ पर, सो गाइज ये वॉशरूम, यहाँ पे वाटर सर्विस भी है और यहाँ पर हैंड वॉश भी है। इंडियन स्टाइल की वॉशरूम है इस कोच में, अच्छा वॉशरूम की क्वालिटी भी ठीक ठाक है। अब सारे पैसेंजर्स आने लगे क्योंकि ट्रेन का टाइम हो गया, तो चलिए अब अपनी सीट पर जाकर बैठते हैं। एंड गाइस यहाँ पर हर सीट के ऊपर लाइट्स लगी हुई हैं नाइट यूज़ के लिए, एंड हर सीट पर चार्जिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं। हमारी ट्रेन चल रही थी लेकिन किसी ने चेन खींच दी है, वेट करते हैं 2-3 मिनट्स चलने का। इस ट्रेन के टोटल 8 हॉल्ट्स है। ये रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से 5:40 पर निकलती है और रात के 10:55 पर हमें जबलपुर पहुँचा देती है। सो 5 मिनट्स डिले हमारी ट्रेन यहाँ से चल देती है। गाइस ये ट्रेन डेली रनिंग ट्रेन है, तो ये हर रोज़ रानी कमलापति से जबलपुर जाती है। स्टेशन के आउटस्कर्ट्स पर काफ़ी पॉल्यूशन है तो यहाँ की ब्यूटी ख़त्म कर देता है। अभी भोपाल में मेट्रो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो यहाँ पर उसी का ब्रिज तैयार हो रहा है, आप सामने देख सकते हैं। एंड वो सामने से आ रही है मैसूर जयपुर एक्सप्रेस। देन आउटर से निकलने के बाद हमारी ट्रेन एक्सेलरेट करती है और इसकी एक्सेलरेशन स्पीड काफ़ी अच्छी है। कट गया नेटवर्क।
अब हमारी ट्रेन ने उसकी मैक्सिमम स्पीड को अटेन कर लिया है, विच इज़ 125 किलोमीटर पर आवर। आई वॉन्टेड कि मुझे इस साइड वाली सीट मिले, लेकिन मुझे उस साइड वाली मिली थी यार। बाय द वे, अब हम बोधनी गार्ड्स में एंटर करने वाले हैं। पर आ गया था, लेकिन ट्रेन की स्पीड काफ़ी तेज थी इसलिए मैंने गेट नहीं खोला, इसलिए अंदर से रिकॉर्ड किया। सो अब हमने बुधनी हार्ट्स को क्रॉस कर लिया है एंड नाउ नर्मदा रिवर इज गोइंग टू कम। सो दिस इज द नर्मदा रिवर एंड नर्मदा रिवर आ गई है, मतलब अब हम लोग होशंगाबाद में एंटर कर चुके हैं एंड नर्मदा रिवर के ऊपर ही होशंगाबाद का नाम चेंज करके नर्मदापुरम रख दिया गया है। अभी समर्स है इसलिए इसका लेवल थोड़ा डाउन चला गया है, लेकिन रेनी सीजन में ये फुल ऑफ वाटर हो जाती है, बहुत ऊपर आ जाता है इसका लेवल। तो अब हम लोग होशंगाबाद रेलवे स्टेशन पर आ चुके हैं। सो गाइस, हमारी ट्रेन होशंगाबाद पहुंच चुकी है और ये 15 मिनट डिले है एंड यहां पर इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। धन्यवाद। देन वहाँ से हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो गया है और अब हम लोग पहुँचने वाले हैं इटारसी जंक्शन। यहाँ पर टीटी अंकल आ चुके हैं और वो सबका रिजर्वेशन चेक कर रहे हैं। नाउ अब हम इटारसी पहुंच चुके हैं और यहां पर हम आउटर से पास हो रहे हैं। जो आपको वो सामने वाला रूट दिख रहा है वो जबलपुर का रूट है और ये ट्रेन भी इटारसी से रिवर्स होकर जबलपुर जाती है। कृपया ध्यान दीजिए, पटना।
सो गाइस, हमारी ट्रेन राइट टाइम पर इटारसी जंक्शन पहुंच चुकी है और यहां पर इस ट्रेन का सेकंड हॉल्ट है और यहां पर ये ट्रेन का इंजन रिवर्स होता है तो यहां पर 15 मिनट्स का हॉल्ट है इस ट्रेन का। सो गाइज, हमारा सफर इटारसी जंक्शन तक ही था। मैं ट्रेन की बात करूँ तो ये ट्रेन सही में अच्छी है, बस रानी कुंदापति से निकलने में 5 मिनट लेट हुई। बाकी इसकी स्पीड बहुत अच्छी है, 125 किलोमीटर पर आवर तक इसकी मैक्सिमम स्पीड है, तो ये काफ़ी अप्रिशिएबल है। और आई होप दैट यू ऑल लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डिड देन प्लीज़ हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।